कौन से गैंग का काम था, कौन कौन शामिल था इसमें? ये किस किस की मिली भगत थी बताओ साले? वरना तेरा भेजा खोपड़ी से डिटैच कर दूंगा, बोल ना। मैं जानता हूं उसे मुझसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। मैं पूरी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, ये तकरीबन 15 साल पहले शुरू हुई थी, जिसने तमाम लोगों की जिंदगियों में सोना मिला दिया। ये दुनिया दो किस्म के लोगों से बनी है, पहले जो तैर नहीं सकते उन्हें समंदर में धकेल कर हंसने वाले, और दूसरे तैरना ना आकर भी समंदर में कूद जाते हैं किनारे पर पहुंचने के लिए। वो दूसरे किस्म का था। उसकी आंखें हमेशा शिकार पर रहती थी और उसका लक्ष्य हर वक्त शिखर पर, क्योंकि ये शिकार वो एक वक्त की भूख मारने के लिए नहीं करता था। ऐसे शिकार से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। मदद कीजिए ना मालिक, मेरे बेटे का बदन बुखार से तप रहा है। मालिक मेरी पगार दे दीजिए ना मालिक, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इसे अस्पताल ले जाना है। मालिक पगार 4 दिन बाद मिलेगा, चल। मालिक मैं तो अपनी मेहनत का पैसा मांग रही हूँ मालिक, मेरे बेटे को बचा लीजिए, इसकी तबीयत बहुत खराब थी, इसी वजह से काम पर नहीं आई। मालिक इंसानियत के नाते लड़के को लेके जा, चल। मालिक, ए टेबल पे चाय दे रहे। मालिक, अरे रोज कट किट किट है इसका। ए चल, पर नहीं मेरे बच्चे पर तो तरस था। कमीना है तू, नरक में जलेगा तू। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? देख लेना, नरक में सड़ेगा तू, कीड़े पड़ेंगे तुझे, हाय लगेगी मेरी। ए कौन है तू? ए क्या कर रहा है? अपने हक की चीज के लिए कभी भी भीख मत मांगो, छीन लो उसे, हक जताना पड़ता है। तेरा नाम क्या है बेटा? Thank you.
जब तुझे किसी को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू एक दिन इस जमीन पर राज करेगा। उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि वो जमीन कौन सी है, और ना ही उसे पता था कि राज करना क्या होता है। वो तो ये भी नहीं जानता था कि उस जमीन पर पहले से कोई राज कर रहा था, गुरुनाथ, इस सल्तनत का बेताज बादशाह। अगर इतिहास के खूंखार राक्षस मिलकर कोई मंदिर बनाते तो उस मंदिर में मूर्ति गुरुनाथ की होती। मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था, ईमानदारी से मेहनत से काम करो तभी जिंदगी में सफलता मिलती है। लेकिन जल्द ही मैं समझ गया कि ये जो ईमानदारी और मेहनत जैसी बेतों की चीजें हैं, ये सब अमीरों ने इजाद किए ताकि दबे कुचले गरीब लोगों को हमेशा दबा कर रखा जाए। जब रियल एस्टेट के भाव आसमान छू रहे थे, जब जमीन की कीमत ऊपर भाग रही थी और इंसानों की जान कौड़ियों के दाम बिकने लगी थी, कोई नहीं जानता गुरुनाथ कहां से आया। लेकिन एक बात साफ है, इस शहर में बार कल्चर की शुरुआत उसी ने की थी। अगर उसकी और तारीफ करूं तो उसकी हिंसा में भी एक अलग सी कला थी। वो चाहता था कि पूरी दुनिया झुककर उसे सलाम ठोके। अगर गुरुनाथ की बात कोई टाल सकती थी तो वो थी उसकी बीवी। सिर्फ चारुलता की बातें गुरुनाथ कभी नहीं टालता था, और चारुलता के लिए उसका बेटा अमरनाथ ही उसके लिए सब कुछ था। यही नहीं, उसका गर्व, गौरव और उसकी इज्जत, सब कुछ अमरनाथ था। तुम कहते हो कि मुझे गलतफहमी हुई है, मेरी हर बात को हल्के में लेते हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है गुरु। इससे पहले कि गुरुनाथ के भाई को पावर का चस्का लगता, चारुलता ने दांव खेल कर उसे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। मुझे उस पर यकीन नहीं है, लेकिन तुम्हारा अब हमारे साथ रहना ठीक नहीं। जो शहर पसंद आए वहां चले जाओ, मैं इंतजाम करवा दूंगा। अपने भाई की खुशी के लिए वो चला गया, पर कोई नहीं जानता वो कहां गया। सबका मानना है कि चारुलता ने उसे मरवा दिया है, लेकिन हां, यह सिर्फ एक अफवाह है। एक दफा गुरु का एक बार डांसर से लफड़ा चला, कुछ दिनों के बाद यह बात सामने आ गई। जब इस बारे में चारुलता को पता चला तो वो अपना आपा खो बैठी, और उसने उस बार डांसर को जिंदा जला दिया। जिंदा रहने के लिए माइकल जो भी काम मिलता कर लेता था, जो भी खाना दिखता खा लेता था, पर उसकी खोज कभी नहीं रुकी। और आखिरकार काफी लंबे समय बाद उसने वो हासिल कर ही लिया जिसकी उसे तलाश थी। दारू का ठेका कहाँ है? आगे मार्केट में। जी शुक्रिया। आपको कोर्ट की बताई अगली तारीख पर आ रही हो। ये जज बहुत खुश है सर। स्वामी, ये जो कह रहा नहीं हो, जैसा मैं कहूंगा वैसे ही होगा। अगर कोई गलती हुई तो तुम लोग जानते हो मैं क्या करता हूं। पकड़ लो इसे। इस उम्र में चाकू लेकर क्यों घूम रहा है? मुझे मेरे बाप को जान से मारना है। अच्छा, ठीक है, अब समझ ले मैंने उसे तेरी तरफ से मार दिया। चल बता तेरा घर कहाँ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। मेरा कोई पक्का ठिकाना नहीं है, आप जहां उतारोगे वहीं घर बसा लूंगा।
मेरे साथ चलेगा, मेरा आदमी तेरा ख्याल रखेगा। अगर मैं आपके साथ आया तो आपको मेरा ख्याल रखना होगा। स्वामी गुरु, इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है गुरु। उस दिन से वो मेरे साथ बड़ा हुआ। मैंने कई अनाथ बच्चे देखे हैं, लेकिन इस बच्चे से मुझे खास लगाव होने लगा था। वो गुरुनाथ की आंखों में भी बड़ा होना चाहता था। फिर कुछ ही सालों के बाद उसे वो मौका भी मिल गया। नाइजीरिया से ड्रग्स की एक बड़ी कंसाइनमेंट आई थी। बहुत से लोग उसे डॉक्स पर उतारना चाहते थे, लेकिन गुरुनाथ की इजाजत के बिना वो ड्रग्स उतारने की हिम्मत किसी में नहीं थी। डैड, साउथपोर्ट पर एक कंसाइनमेंट कब से फंसा हुआ है? वहाँ आरके के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें डॉक्स पर उतारने का प्लान कर रहे थे हम। बस एक बार आपको बताना था। डैड, क्या है उस कंसाइनमेंट में? 300 करोड़ के ड्रग्स हैं। अगर हमारे हाथ लग जाए तो हम इंडिया के हर कोने कोने में सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए गुरुनाथ की परमिशन लगेगी। अगर उसे बिना बताए करोगे तो खतरा ज्यादा है। डैड, अगर आप इजाजत दे देते तो मैं तुरंत उन्हें उतारने की तैयारी शुरू कर देता। जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, 1500 कॉम्पिटिटर्स मौजूद थे। कदम कदम पर दुश्मनों से सामना होता था। उनमें से 300 मारे गए और बाकी के सब जेल में सड़ रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना स्वामी? बिल्कुल सही। मेरी गर्दन कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इस रेस में सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। उसकी वजह जानते हो? मैं भी तो हूँ गुरु। क्या बक रहा है? ये देख, मैं तेरे सामने बैठा हूं अपनी खड़ी की हुई सल्तनत के सिंहासन पर, और तू मेरे सामने सिर झुकाए बैठा है, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है और कब करना है। गुरुनाथ को खत्म करके कंसाइनमेंट उतार लेते हैं। जो हथियार तुम निकालते हो उससे दुश्मन की फटनी चाहिए, तुम्हारी नहीं। आई बात समझ में? हाँ समझ गया डैड। तुमसे पहले ये खबर मुझे मिल चुकी है और मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। निकलो। ठीक है डैड। तुम किसी लड़के के बारे में बता रहे थे? जिसने तुम्हें कोर्ट में बचाया था वही लड़का है। अच्छा, वो बुलाओ उसे। क्या हुआ भाई, बॉस से मिलने जा रहे हो? देखते ही पैंट में मूत मत देना। अरे उसे क्या कहते हैं जो छोटे बच्चे पहनते हैं, जिसमें हाँकते मूतते हैं ना वो? अरे भाई डायपर। डायपर, डायपर पहनना है क्या? गुस्सा आ रहा है। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो सिफारिश पे मिल जाए। तुझे सिर्फ इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि स्वामी ने कहा है। कार में बैठा रहे, बाहर मत उतरना, समझ में आया क्या? Thank you.
भागो, गुरुनाथ को मार दिया। गाड़ी चालू कर, अबे गाड़ी चालू करना, पागल है क्या? क्यों बे गुरुनाथ, यहीं पे टपका दूं क्या तुझे? गोली मत चलाना, इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए ये। कौन है बे तू? साफ सुन गया क्या? बोलता क्यों नहीं? सुझा दी, फिर भी अपना नाम नहीं बता रहा है। देखा ना, एक नंबर का फट्टू है। काय झालं भाव, घाबरलात काय? याला कॅच इट। वही है ना, ए गाडी स्टार्ट कर। तूने मेरे बाप की जान बचाई ना? ये ले, पी ले।
तोहफा समझ के पी ले रहे। सुपे डालना मुंह में चुपचाप। माइकल छोड़ो उसे। छोड़, हाँ छोड़। रोड पे ध्यान दे रहे। तूने दूसरी बार मेरी जान बचाई, बदले में क्या चाहिए तुझे? ये पढ़ा लिखा है क्या? पढ़ा लिखा है। स्वामी, नॉर्थ सिटी के बार्स की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी हमने? आरके को दी थी। क्या हुआ, उसे अमरनाथ को देना है? आज तो फिर दारू पी के आया। गेट आउट डैड। अमर, अब से उन बार्स की जिम्मेदारी सिर्फ तुम संभालोगे और कोई नहीं, और अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करोगे और किसी के लिए भी नहीं। समझ गए ना? ख्याल रखना। आज से तुम इस घर में रहोगे। जब तक भरोसा ना हो गुरु ऐसा नहीं कर सकता। या तो पल से या फिर चल से। गुरु ने तुम्हें यह गाड़ी भी दी है। शहर के सारे बार्स में नॉर्थ बार सबसे खतरनाक माना जाता था। कोई नहीं कह सकता था कि वहां कौन सी गैंग आएगी और उनमें कब गैंग वार शुरू हो जाएगी। उनमें से देवराज गैंग, शेट्टी गैंग और गुंडू गैंग सबको परेशान करने के लिए मशहूर थे। वो मनमर्जियां करते क्योंकि तीनों गैंग का बॉस था आरके। उस हमले में कुल 6 लोग शामिल थे सर, उन सभी के नाम इस फाइल में है। वो आखिरी आदमी अभी तक मिला नहीं सर। शरीर पर 6 चाकुओं से वार हुए थे। उनमें से वो 4 जिन्होंने चाकू चलाए थे उनके हाथ तुम्हारे सामने पड़े। तुम्हारा 5वां है। हर हाथ की उंगली ने अगले गुनाहगार की तरफ इशारा किया। अब सिर्फ एक बचा है, जिस हाथ ने वो आखिरी चाकू चलाया था। वो चाकू टूटकर अब मेरे शरीर में घर बना चुका है। तूने मुझे उसका पता बताया तो सजा सिर्फ तेरे हाथ को मिलेगी। चल भाग। रुको, बता दो
बता दो, बता दो, रतन, रतन है वो आखिरी आदमी, रतन। एक सांड जिसे अपने सिंह पर घमंड है, वो जाकर पहाड़ से सिर टकराएगा, तो उसका अंत तो होगा ही, जिस तरह तेरा अंत होगा। जब से माइकल ने बार्स का धंधा संभाला, गैंग्स का दबदबा कम होने लगा, क्योंकि माइकल किसी से भी नहीं डरता था। सॉरी गुरु, अब तक हमें रतन का पता नहीं चल पाया। पता करो उसकी बेटी कहाँ है। माइकल, जिस दिन वापस आऊंगा वो तेरा आखिरी दिन होगा। उल्टी गिनती शुरू कर दे। चल झूठा। हाँ माइकल, आरके को धमकाया क्या? गुरु तुमसे मिलना चाहता है, जल्दी आओ। रतन का मैटर मैं संभालूंगा डैड, ट्रस्ट मी डैड। कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं उसका क्या करना है और किसे भेजना है। यू कैन गो। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना डैड, मैं मार दूंगा उसे, प्लीज डैड। नहीं, ये तुम्हारे बस का नहीं है। व्हाट? क्या रे, बहुत बड़ा डॉन बन गया, बिना सोचे समझे किसी से भी पंगा लेगा। हाँ, तू जानता है आरके कौन है? वो उस दिन से मेरे साथ है जिस दिन से मैंने बिजनेस में कदम रखा है। मेरी जगह आप होते तो वही करते, कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं तेरी जगह होता तो उसे बख्शता नहीं, खत्म कर देता। वैसे भी मैंने तुझे एक दूसरा इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है। उस हमले में एक चाकू का टुकड़ा टूटकर मेरे शरीर के अंदर घुस गया था। अब ना वो टुकड़ा निकल रहा है, ना वो आदमी मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं जानता हूं वो कहां आएगा, अपनी बेटी से मिलने। तो मुझे क्या करना होगा?
इस वक्त वो दिल्ली में है। उसका पीछा कर, अगर वो तुझे दिखे तो वहीं के वहीं उसे ठोक डालना बिना कुछ सोचे, बल्कि दोनों को ही ठोक डाल। ये किताब अच्छी बातें सिखाती है। एक मर्द चाहे हर कला में कुशल क्यों ना हो, एक औरत के सामने घुटने टेक ही देता है। माइकल, इसका तुम्हें एक क्लासिक एग्जांपल बताऊं? विडो स्पाइडर के बारे में सुना है माइकल? द मेल एंड फीमेल स्पाइडर, आफ्टर दे मेक लव, वो फीमेल विडो स्पाइडर मेल स्पाइडर को मार देती है और खा जाती है। इन अ वे लड़कियां ये चाल हर जगह इस्तेमाल करती हैं, फर्क इतना है कि हम देख नहीं सकते। ये वो बंदा है और ये उसकी बेटी। Oh!
क्या बोला रे? किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले याद किया क्या? अपनी माँ को? जो भी हो कभी डरना नहीं चाहिए, इसको संभालना। हेलो, बुरा ना माना तो घर ड्रॉप कर सकते हो। क्या तुम्हें किस बात का डर है? और मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ, तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। तो फिर चलें। वैसे मुझे ये सब करना तो नहीं चाहिए, इस तरह अजनबी की गाड़ी में बैठना। But you're not a stranger to me. मुझे कैसे जानती हो? बहुत अच्छे से। I know, you've been following me. पीछे पीछे इतने दिनों से घूम रहे हो, हाँ? अब यहाँ भी आ गए हो। तुम्हें ड्रॉप कहाँ करना है? इतनी जल्दी भी क्या है? नाम भी नहीं बताया। क्या नाम है बताओ? माइकल। माइकल, हे आगे देखो, स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर। ए, कहाँ देख रहे हो तुम? यू आर लुकिंग राइट एट इट मैन। स्पीड ब्रेकर। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी गलती भी नहीं है। ऑल मेन आर द सेम। Hey, stop. Ice cream. Let's have some ice cream. Two vanillas. मुझे नहीं चाहिए। दोनों मेरे हैं। तुम्हें चाहिए तो खुद ले लो। भैया, दो वनीला आइसक्रीम देना। जी, एक मिनट। आइसक्रीम का कोई कैसे मना कर सकता है? So strange. I don't get it. आइसक्रीम नहीं खाओगी तो मर जाओगी? नहीं, तुम्हें मार सकती हूँ आइसक्रीम के लिए। हंस ले यार, it's a joke. तुम्हें आईने से देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली घूर सकते हो। मैं डांटूंगी नहीं। But I'm warning you, don't fall for me. I'll break your heart. बस आगे लेफ्ट में ही रोक दो। Yeah, right there.
थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी. ऑल्सो वन मोर थिंग, ड्रॉप करने के बहाने तुमने चार बार वहां देखा, पर पता है दिस टाइम इट वॉज मैनली. तो आज रात क्या कर रहे हो? तो आ जाओ मेरे साथ. I like to slap before I kiss. तुम्हें किस किया मतलब ये नहीं कि तुमसे प्यार हो गया है. And you're not the only person I'm kissing, okay? नहीं, मैं झूठ बोल रही थी. You wanna sleep with me, no? But I don't want to. You're not my type. But I'm warning you. Don't fall in love with me. I
I'll break your heart. माइकल, हेल्प चाहिए। क्या हुआ तेरा? मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, मेरे साथ आओगे? कहाँ जाना है? मिलकर बताती हूँ। वो अपनी बेटी से मिलने जरूर आएगा, अगर वो तुझे दिखे तो वहीं के वहीं उसे ठोक डालना, बल्कि दोनों को ही ठोक डाल। जा कहाँ रहे? बताऊंगी, तुम चलो। मुझे बस 5 मिनट का काम है, यू स्टे हियर। माइकल, आई एम सॉरी तुम्हें इतनी देर वेट करना पड़ा, मेरी फ्रेंड आई ही नहीं। चलो चलते हैं। कल मिलते हैं, टेक केयर। Thank you.
माइकल, 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 कौन है? माइकल, माइकल, रुको, रुको, माइकल, 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 प्लीज, माइकल, माइकल, रुको, प्लीज, माइकल, 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 प्लीज, 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 माइकल मत मारो, प्लीज, माइकल मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, माइकल, प्लीज, प्लीज, गुरुनाथ की मौत का इंतजार यहाँ के बहुत सारे गिद्ध कर रहे हैं, लेकिन किसी में भी गुरु से खुलेआम दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं है। वो मेरा इस्तेमाल करके गुरुनाथ को मारना चाहते हैं, इसीलिए मैंने चोरी चुपके एक प्लान बनाया। किसी को शक ना हो इसलिए मैं नए लोगों के साथ ये काम करने वाला था, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। किसका हाथ था इसके पीछे? मैंने कहा था ना इसमें खतरा ज्यादा है। पहले तू शांत हो जा, उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। उसे पता चले इससे पहले हम लोग उसे माफी की भीख मांग लेंगे। और तुझे क्या लगता है कि वो हमें माफ कर देगा? Thank you.
माइकल ने रतन को छोड़ दिया बॉस, अब बताइए क्या करना है बॉस। हेलो बॉस। ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है बॉस। कौन है भाई ये? हॉर्न बजा। बस साइड दे। ओए हट जा, नहीं तो उड़ा दूंगा तेरे को। ओ खड़ जा यार, मैं देखता हूं। क्या रे काके? ए कौन है बे तू? मेरे भाइयों कैसे मारा? तू इधर ही रुक, पछताएगा तू, देखना। राहुल, राहुल। राहुल, 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 नहीं, नहीं। ए क्या कर रहा है? ए पागल है क्या? ए इधर आ, इधर आ रे। माचिस है, होगा चक्कर। एक हॉर्न के लिए कोई गाड़ी चलाता है क्या? मैं जलाता हूं ना, दोबारा कभी हॉर्न पे हाथ मत लगाना, तेरी पैंट जल जाएगी। नाम है माइकल, कोई पूछेगा तो बता देना, मुंबई से एक बंदा आया और सब कुछ जला के चला गया। ओ मेरी गड्डी, अरे ओ मेरी गड्डी फूक दी। यहाँ पे है तू, यहाँ पे मैं हूँ, दोनों पे परसा है इश्क जादू। क्या हुआ, अंदर नहीं आओगे? चलो। इश्क जादू यहाँ पे है तू,
भी रूप ये प्रेम का मन चला मन को है पागल करे ये अदा रंग तेरे हुस्न का चांद को दे ताला जा सर पे मेरे तेरा नशा ना उतरे सोनिया हाँ ये पल बस तेरा से है दूरियां नाव कोई हाँ प्यार में तेरे मेरे अब दरमियां यहाँ पे है तू यहाँ पे मैं हूँ दोनों पे परसा है इश्क जादू जादू Michael! Ha! 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 Ha!
ए माइकल, पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? पहचाना क्या? जिस दिन मुझसे पंगा लिया था तभी समझ गया था कि तेरी ऐसी हालत जरूर होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी सोचा नहीं था। उस दिन का पछतावा हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है क्या? मैंने तुझसे कहा था ना, अगली बार मिलेगा तो तुझे मार डालूंगा। तेरा कहाँ है? उससे मिलने से पहले एक और खास आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। सब कुछ बोल दे। गुरुनाथ का बेटा अमरनाथ। We paid you to guarantee your father's support. I know that. Okay, I'll talk to my father. Okay, I'll figure it out. Trust me, I will sort it out. Listen, man, sort it out soon, or else repay us. पूरे 300 करोड़ रुपए नकार दिए। मैंने कहा था ना मैं संभाल लूंगा, लेकिन उसकी भी इजाजत नहीं दे रहे। पता नहीं मैं कब बिजनेस हैंडल करूंगा। जब तक वो जिंदा रहेगा मैं कभी बिजनेस हैंडल नहीं कर सकता। सही कहा। एक काम करते हैं, उसको मार देते हैं। लेकिन इसमें मैं भी शामिल हूं, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके ना? ओके ना? ओके। उसकी सारी जानकारी इसमें। डन डन। तेरा कहां है? क्या हुआ है इसको? फटे टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही नाम पर अटका हुआ है। धीरा कहाँ है? 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 एक ही बात कितनी बार पूछेगा बे छंडो? प्यार है? प्यार करता है ना? सारा प्लान बिगाड़ दिया हमारा। बोल, उसकी वजह से सारा प्लान बिगाड़ दिया। लिसन, उसने हमारे साथ धोखा किया था, इसलिए तुझे उसे मारने भेजा था। उसे नहीं मारा मतलब तूने हमारे साथ धोखा किया। बोलना, जवाब दे। अब मुझे इसको मारना पड़ेगा। मुझे जो करना है कर ले, बस तीरा को छोड़ दे। तूने उसके लिए ये सब किया? उसके लिए? तू एक नंबर का डफर निकला रे। You're a bloody fool. क्या हुआ? मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं है क्या? रुक, मैं उसको बुलाता हूँ। वो कहेगी तभी मानेगा तू। ओके ना? घसीट कर ले आओ रे उसको। ले गया। देख देख, दिख रही है क्या? हाँ देखना। धोखा देने के बाद भी ये मगरमच्छ के आंसू रुक नहीं रहे इसके। अरे बताना, बताओ। इसके साथ प्यार का नाटक करके तूने इसको धोखा दिया, ऐसा बोल। इसको बोलना। बोलती क्यों नहीं है? बोलना। नाम क्या है उसका? माइकल। माइकल।
No, Dad, you don't have to worry. Okay. No worries. I'll handle everything. तुम्हारा दिमाग खराब है? उसे साथ क्यों लाई हो? तुम्हें अकेले बुलाया था. What's happening? Dad, don't worry. अगर मैं उसे साथ नहीं लाती, तब भी वो मुझे फॉलो करता. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरी हर बात मानता है. बाहर मेरा वेट कर रहा है. माइकल, I'm sorry, तुम्हें इतनी देर वेट करना पड़ा. मेरी फ्रेंड आई ही नहीं. चलो चलते हैं. मेरे पापा ने भेजा था तुझे इसको फॉलो करने के लिए, और मैंने एक और आदमी भेजा था जो तुझे फॉलो कर रहा था. मुझ पे इतना भरोसा? स्टूपिड फेलो. उसे जाने दे. खड़ी हो जा. जाने दो उसे. अरे उठ ना. उसे जाने दो. इधर आ, इधर आना. पूरे शहर को कंट्रोल करने के लिए मेरे बाप का नाम ही काफी है, पर ये उसके भी काबू में नहीं रहा. लेकिन तूने इस क्या कंट्रोल में रखा इसको? इतने सच्चे प्यार के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट तो बनता ही है. ले पकड़ ये और चला गोली. मार दे, मार दे, मार लो. अरे भाभी मारो ना इसको, मार दो. अगर तूने इसको नहीं मारा तो मैं तेरे बाप को मार दूंगा. मेरी बेटी को छोड़ दे. ले, शट अप, शट अप, शट अप, शट अप. सारे फसाद की जड़ तू ही है, ब्लडी इडियट. ले, तू मार ना, चला गोली, मार इसको. ले, गोली चला ना. सच में मार दिया. बाबा रे बाबा, तूने मेरा इतना बड़ा काम किया तो ये गिफ्ट तो बनता ही है. इन दोनों की बॉडीज ठिकाने लगा दो. और इस लड़की को किसी सेफ जगह पर ले जाना. जरा हम भी तो चेक कर देखें ऐसा कौन सा नशा है इसमें. विश्वास और भरोसे की डोर जब तक हमारे हाथ में होती है
तब तक जानवर हमारा कहा मानते हैं। अगर वो टूट गई तो आने वाले कहर को कोई रोक सके, किसी में इतनी ताकत नहीं। माइकल, उस बीच के बंदर को टपकाना है, तू जाके काम संभाल, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। दो सिगरेट दे। माइकल क्या हुआ? अपने घर जाने के बजाय पड़ोसी के घर में घुस गया था। उसका मुंह देखने जैसा था सच में। अरे बोल नहीं रहा है, लेकिन धुलाई पक्का हुई होगी। ये बताना बताना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चल बोल ना। अरे बोल ना, शर्मा क्यों रहा है? क्यों बे, पिएगा क्या? अबे वो स्कूल जाने वाला बच्चा है, उसे क्या पिला रहा है यार तू? ये डर गया था मास्टर, जाते जाते रुक गया। डरा नहीं होगा, कुछ सोच के हिचकिचाया होगा। सही गलत की बात करने वाले फट्टू होते हैं, ताकत के अकड़ दिखाने वाले गुंडागर्दी ही करते। जो दिमाग से काम लेते हैं वो मेरे जैसे होते हैं। गुरुनाथ ही है जो दोनों चीजें इस्तेमाल करता है। अब तुम कैसे रहना चाहते हो ये तुम्हें तय करना होगा। माइकल कुछ चीजों से दूर रहता है, पर दूर रहता ये सोचकर अगर किसी ने उंगली की तो वो शांत नहीं रहता, ज्वालामुखी की तरह फट जाता है। उस विनाश को रोकना भगवान के भी बस का नहीं। माइकल, तबाही का दूसरा नाम। अगर उसकी परछाई को भी कोई छू ले तो मौत निश्चित है। इसे पूछ कर हरकत की, कितनी बार कहकर मेरे काम में दखल मत दे, मत दे। उस लावर इसकी आपको इतनी फिक्र क्यों है डैड? उसने धोखा दिया तो मार दिया, मार दिया उसको, मार दिया उसको डैड। वैसे भी वो होता कौन है डैड? जो बोलेंगे वो करने वाला, जो भी फेंकेंगे वो खाने वाला, हमारे टुकड़ों पर जैसे बाकी लोग पलते हैं उन्हीं में से वो भी एक है डैड। अगर तुझे लगता है वो बाकी हो जैसा है तो गलत है, उसे जानता ही नहीं है, यू पीस ऑफ शिट। घने अंधकार भरे जंगलों में भी अकेला शिकार करने वाला खूंखार जानवर है वो। जिन जंजीरों ने उसे जकड़ रखा था वो अब टूट चुकी थी। अब वो बेबस हिरन से एक खूंखार जानवर बन चुका था। जानता है जिस दिन मुझ पर हमला हुआ था उस दिन सभी छोकरे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तब ये अकेला शेर की तरह अंदर घुसा और सबको मारकर मेरी जान बचाई। अगर वो बच गया ना, बचेगा कैसे? उसको मैंने मार के 6 फुट नीचे दफना दिया। क्या तू सच बोल रहा है? सच में गाड़ा तूने उसको? हाँ, उस दानों ने अगर खून चख लिया तो उसकी सांसें चलने तक वो अपना शिकार करता रहेगा। उसे मारना इतना आसान नहीं, सच कह रहा तू? वो मर चुका है, ट्रस्ट मी डैड। मुझे उसकी फिक्र नहीं हो रही, तेरी हो रही। उसे अधमरा नहीं छोड़ सकते, काम तमाम करना होगा। ओके डैड। तो मत जा अमर, ये लोग करेंगे। ठीक है भाई।
डैड मैं भी साथ जाता हूँ ना। डैड प्लीज जाने दो मुझे। तुम नहीं, रिलैक्स, जाने दो ना। मैंने की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो वो भी मारे जाएंगे। अबर समझ में आया ना? हाँ, कितना ढीठ है ये कमीना, अभी तक नहीं मरा। तीरा कहाँ है? तीरा कहाँ है? यहाँ पर क्या रोमियो जूलियट का ड्रामा चल रहा है? लव इज इन द एयर? मैंने अपने बाप को मारने के लिए इसके बाप को भेजा था लेकिन नहीं मार पाया। फिर मैंने तुझे इसके बाप को मारने के लिए भेजा तो वो भी नहीं हो पाया। तुम्हें क्या चाहिए बताओ तीरा? अब मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा रे। दोनों को मारना ही पड़ेगा। तुम दोनों को मारना पड़ेगा मुझे। तुम्हें क्या चाहिए तीरा? बोलना। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? इस कमीने को मार दो। इस कमीने को मार दो। Come on!
निकलते बॉस, जल्दी करो बॉस। चलो बैठ जाओ बॉस, जल्दी बैठो। वो पीछे ही है बॉस, मार देगा हमें। उसी के खून से दाग लगे थे। उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। बहुत ज्यादा। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था माइकल। मेरी जान बचाने का अब तुझे पछतावा होने वाला है। तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। क्या हुआ? लाइन पे ही रहना। हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। माइकल, जो मौत मैं तुझे और उसे दूंगा ना, वो देखकर तुझे मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा। माइकल, आप ही मेरे अपने हो। कुछ दिनों के लिए आप अंडरग्राउंड हो जाइए। छे, मेरी फिक्र मत करो। तुम कहां जाओगे?
मेरा इकलौता बेटा था, मेरी सल्तनत का असली वारिस था। मेरे सामने उसकी लाश पड़ी है, उसकी लाश को भी जो मेरे सामने ले आएगा, माइकल को मारकर उसकी लाश को यहां लाएगा, वो ये सल्तनत का मालिक होगा, वो इस शहर का राजा होगा। अगर कोई उसे बचाने के लिए आ गया है तो उसे भी मार देना। सुबह से हमने हर जगह छान मारा, हर आदमी से पूछा, लेकिन वो कहा है उसके भनक तक नहीं लगी। हम सिर्फ आपके ऑर्डर के लिए रुके हुए हैं। एक बार हाँ कहिए, पूरा डिपार्टमेंट मिलकर उसकी बोटी बोटी करके उसे भयंदर की खाड़ी में फेंक देंगे। जवान बेटे की मौत से बड़ी सजा एक बाप के लिए नहीं होती, नर्क होता है। ये नर्क वो भी महसूस करेगा, मैं करवाऊंगा। इस काम में कोई दखल अंदाजी ना करे। आने वाले दिनों में कई सिर धड़ से अलग होंगे, गिनने की कोशिश मत करना। इस वक्त आपको कभी कभी कुछ हालात की वजह से शेर थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन वो शिकार करना नहीं भूलता। वो हमें मार डालेगा, अगर हमें ढूंढ लिया तो छोड़ेगा नहीं। वो आएगा, वो जरूर आएगा। आने दो उसे भाई, उसकी रूह कांप जाएगी जब उसके सामने इसे काटूंगा। नहीं 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 नहीं, पागल हो गया क्या? वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसे काबू में रखना है तो इसे जिंदा रखना होगा, जिंदा रखना होगा। इसे कुछ मत करो, कुछ मत करो। तूने कहा था गुरुनाथ बड़ा डॉन है, कैसा डॉन है, एक छोकरे को भी नहीं मार पा रहा है। आप टेंशन मत लो, हम 25 लोग हैं भाई, छोड़ेंगे नहीं उसे। तूने उसे कभी देखा भी है? तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ए दास, ए क्या हुआ तुझे? उसे मारना एक ही बस की बात नहीं है। खैर छोड़ो, हम दोनों तो मार पाएंगे ना। कितने भी लोग क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी रगों में गुस्सा बह रहा है। मैंने उसे सिर्फ एक बार ही देखा है। कभी ये नहीं जानते कि उनका सामना ज्वालामुखी से हो रहा है, जो उन सबको जलाकर राख कर देगा। Thank you.
जाने दे मुझे। क्यों माइक, मेरे लिए वापस क्यों आए? मेरी वजह से तुम मर सकते थे। जब तुम्हें पता था मैंने धोखा दिया, तो फिर क्यों आए? तुम मुझे और 100 बार गोली मारो, फिर भी तुम्हारे लिए माइकल आएगा। बताओ कहाँ जाना है माइकल? माइकल, वो लड़की को अपने साथ ले गया बॉस। कितने लोग थे? 12। और आरके? वो भी बॉस। उसके चाकू की नोक से लिखी कहानियां नहीं सुननी है मुझे। मुझे वो चाकू चाहिए जिस पर उसका खून हो। वो कहानी सुननी है मुझे। जाओ उसकी लाश लेकर आओ। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो किसी ऐसे को ले आओ जो कर सके। अगर इस शहर में कोई माई का लाल ना मिला तो मुझे बता देना, मैं खुद चला जाऊंगा। आदमी ढूंढ लेंगे। सुना चारू, तुम जो भी कहना चाहते हो मत कहो। मुझे सिर्फ एक बात सुननी है, उसकी मौत की खबर। बज रहा है, जाकर उठाते क्यों नहीं? सामने से कोई जवाब ही नहीं दे रहा, किसी गुंडे का ही फोन होगा। तुमने हेलो बोला था? बोला ना। फोन उठाकर क्या बोलती? क्या है ना, तुम्हारे एक हाय पर लोग पूरी तरह पिघल जाते हैं। अगर तुमने प्यार से हेलो कहा होगा तो किसी बेचारे की हवा निकल गई होगी। हाँ, मुझसे बड़ा प्रूफ और क्या होगा। ऐसे क्या घूर रहा है? रोमांस कैसे करते हैं ये मेरे पति से सीख। हाँ।
कौन था? क्या क्या हुआ? कुछ बिन बुलाए मेहमान आ रहे हैं। स्पेशल लड्डू तैयार करो, खिलाने पड़ेंगे। ये इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। नाम क्या है? लड़की को भूख लगी होगी, खिला दें। मुझे एक छोटा सा काम है, निपटा के आता हूं। मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है भाई। मुझे 20 किलो मटन चाहिए। हो जाएगा भाई। 10 किलो चिकन। हाँ ठीक है। और अंडे देना मत भूलना। ठीक है ठीक। अंडे फ्राई करके लाना। ठीक है भाई। कितना वक्त लगेगा? 15-20 मिनट में भेजता हूँ मैं। 15-20 मिनट? ठीक है, इंतजार करता हूँ मैं। जी भाई। मार्केट में खड़ा हूँ। ठीक है भाई, जल्दी आना। ठीक है भाई, करता हूँ। आपने जो कहा था सब पैक कर दिया भाई? हाँ भाई। वो भाई थैंक यू भाई। नमस्ते भाई। इतना भारी क्यों? मेहमानों के लिए मिठाई तैयार है ना? हाँ। ये नमकीन है।
बुजुर्ग बात कर रहे हैं ना, छोड़ उसे, छोड़ गाना। यहीं पे रुकना, मैं अभी आता हूँ। मैं तो यहीं रहता हूँ। चल यहाँ से। तू कहाँ जा रहा है? छोड़ेंगे नहीं इसको। आजा पूरी बारात लेकर आ। यहाँ बारातियों का स्वागत लात और घूसों से करने की पुरानी प्रथा है। आना जरूर, ठीक है? तुम्हारे लिए एक खास दावत का बंदोबस्त किया है। आना भाई, जल्दी आना। जा अंदर जा। क्या हुआ? पिछली बार का पार्ट भूल गए?
मैं तो नर्म दिल हूं, शांत और वेजिटेरियन भी, लेकिन मेरे बॉस आतंक हैं। अगर तुम में अकल है तो अपनी जान बचा के भाग लो। एक छोटा सैंपल देख के मानोगे क्या? कामना, ओके डार्लिंग। एक औरत के हाथ में गन देख के डर गए क्या? मारो उसे। हाँ, जरा रुको कमीनो। डार्लिंग, लड्डू चाहिए। लड्डू लो ना, बहुत टेस्टी है। अरे एक बार टेस्ट तो करो। एक निवाले में ही दर्शन होंगे, गोविंदा, बजरंग बली, गणपति बप्पा, मोरिया। खाओगे? अरे खाओ ना, प्रसाद है। लो, अरे लो ना। कामना, बोलो डार्लिंग। फायर। मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? बोलो। मैं यहां से चली जाऊंगी, आप उसका ख्याल रखना प्लीज। क्या तुम्हें वाकई में उसकी फिक्र होती है? मैं तुम्हें अपना एक अनुभव बताता हूं। जेल में बंद होना और बंद जेल की रखवाली करना एक ही होता है। मैं नहीं जानता यह किसकी बदकिस्मती है कि एक बच्चा मेरे जेल में पैदा हुआ। पेट से निकलकर पहली सांसें उसने मेरे हाथ में ली। सोचा था मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगा, हम सोचते हैं जिस चीज को हम चाहते हैं अगर उसे हमेशा अपने पास रखें तो वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन आग को अपने करीब नहीं रखा जा सकता, उसे जितना बुझाने की कोशिश करोगे वो उतनी ही ज्यादा जलती है। हवा में सुलगती हुई आग को और बढ़ती उम्र के इंसान को काबू में रखना बहुत मुश्किल है। जो पंछी उड़ जाते हैं वो शायद अपने घोंसले में वापस आ जाएं, लेकिन अपने पिंजरे में कभी नहीं आएंगे। उसे लगता है उसका अपना कोई नहीं है, शायद इसीलिए उसे ये पिंजरा लगा होगा। वो भाग गया, अब तुम उसके पास हो। मैंने छोड़ा था, तुम मत छोड़ना। कस के पकड़ना, धोखा नहीं देगा।
माइकल घर पर नहीं है। माचिस है क्या? माइकल, मुझे लगा था जल्दी आ जाएगा, काफी देर कर दी तूने।
ये जानकर ताज्जुब नहीं हुआ कि सारा खून खराबा एक लड़की की हंसी की बदौलत हुआ। बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ, लेकिन शर्म जरूर आई थी। एक बात हमेशा याद रखना माइकल, मुझसे या तुझसे प्यार करने की किसी लड़की के पास कोई नेक वजह नहीं हो सकती। उसके लिए उसकी जान प्यारी है या उसका बाप प्यारा है। उसने एक चांस लेकर देखा तुझ जैसे को फंसा कर, और वो काम कर गया। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो शायद मैं ही होता। हम जैसे लोग सभी को अपनी तरह समझते हैं सर, हमें शक करने की बीमारी है। गलती उनकी नहीं है सर, मालूम है उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन हमारे किए पापों की सजा सिर्फ धोखा है क्या? औरत के जादुई माया जाल में फंसना कुछ लोगों के नसीब में पहले ही लिख रखा है उस ऊपर वाले ने। तुम भी उसी में फंसे हुए हो माइकल, और इस वक्त तुम उस लड़की की चाल समझने की हालत में नहीं हो। जब तुम यहां से वापस जाने लगोगे तो तुम्हारे हाथों में सिर्फ और सिर्फ मेरा खून लगा होगा माइकल, और वो भी जा चुकी होगी। हम में से किसी ने आपको धोखा नहीं दिया सर, आपका बेटा, आपका खून जिसे आपने पाल पोष के बड़ा किया, वो आपको मारना चाहता था सर, और उस दिन आपको मैंने बचाया। इंतजार किसका कर रहे हो? मार डालो इसे, काट दो इसकी गर्दन, इसके खून से मुझे पैर धोने हैं, तभी मुझे सुकून मिलेगा। चारो, जो भी हो वो मेरा बेटा था, वो मेरे जैसा ही था, मैं उसका बाप हूं। तुझे क्या लगा हा? मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आखिर ये सल्तनत का तख्त उसी का होने वाला था, क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी मर्जी से उसे दूं या वो छीन कर ले ले, हमारे घर में टांग अड़ाने वाला होता कौन है तू? ऐसे सिली डिसीजंस मत लीजिए सर। अब मुझे खोने के लिए कोई खुशी बची नहीं है, या एहसास करने वाला कम, कुछ भी बचा नहीं है। माइकल, एक बार सोच ले माइकल, मैंने तुझे पाला, तेरा ख्याल रखा, तुझे हथियार चलाना सिखाया, लेकिन अब तो उसके लिए मुझसे पंगा ले रहा है। तेरी दुश्मनी मुझसे है ना? आ, जाने दे उसे,
जाने दे। जी, इसके सामने भीख मांग रहे हो? अगर इसकी मौत नहीं देखी तो मुझे जिंदा भी नहीं रहना। ए! ए चारो! ए पाप था सर, ऐसा पाप जो बस खून से धुलता। मैं यहां बस आपको मारने के लिए नहीं आया सर, पहले मुझे इस औरत को मारना था। मैंने तुझे हमेशा अपने बेटे की तरह पाला था माइकल। गद्दार! बेटे के तरह समझा सर, पर कभी बेटा नहीं माना ना सर। हां सर, एक लड़की के लिए ही कर रहा हूं, जो प्यार में बर्बाद ना हो। वो जिंदगी किस काम की है सर? 20 साल से मुझे जिस दिन का इंतजार था, आज वो मेरे सामने है और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं? धोखा तो दिया है सर, पर आप जो समझ रहे हो उसके लिए नहीं, जिसे आपने धोखा दिया। उम्र में चाकू लेकर क्यों घूम रहा है? मेरे बाप को जान से मारने के लिए। बोल, बोल, तेरा बाप कौन है? बोल, बाप का नाम बता। गुरुनाथ। यानी तू उस जेनिफर का बेटा है। कौन है ये लड़की? नई लड़की है, अभी अभी ज्वाइन हुई है। गाना अच्छा गाती है और वायलिन भी अच्छा बजाती है। इसके आने के बाद से हमारा बार काफी पॉपुलर हुआ है सर। जेनिफर गुरुनाथ के काफी करीब आ गई। अपनी शादी की बात उससे छुपाकर गुरुनाथ उसके साथ घूमने लगा। इधर जेनिफर भी गुरुनाथ पर भरोसा करने लगी। की वजह से जेनिफर प्रेग्नेंट हो गई। कुछ दिनों के बाद जेनिफर को गुरुनाथ की शादी के बारे में पता चला और चारू लता को जेनिफर की प्रेगनेंसी के बारे में। ये उसी की रिपोर्ट है ना? जब गुरुनाथ को इस बारे में पता चला, वो जेनिफर से दूर रहने लगा, उससे मिलना भी बंद कर दिया और जेनिफर को बच्चा गिराने के लिए धमकाने लगा। ए, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, कितनी बार समझाऊं तुझे ये बात? ये सब तुम्हें मेरे साथ रिश्ता बनाने के पहले सोचना चाहिए था। धोखा दिया है तुमने मुझे और अब अचानक से तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। मुंह तोड़ दूंगा, चुप हो जा, निकल। उसी के साथ हो, मैं जानती हूँ गुरु। बाहर आ जाओ, वरना उसके साथ साथ तुम भी जलकर राख हो जाओगे। बाहर आओ गुरु, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैं या वो, किसी एक को चुनो, अभी के अभी। तुम जहां चाहे मुंह मारो, लेकिन तुम्हारा वारिस सिर्फ एक ही हो सकता है, वही जिसे मैं जन्म दूंगी। ये जानकर कि जेनिफर घर के अंदर है, चारू लता ने घर को आग लगा दी।
जेनिफर किसी तरह वहां से भाग गए और बहुत ही बुरी हालत में वो अपने पापा के एक दोस्त के पास पहुंची। हाँ बोलो जेनिफर। जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं होता मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए जहां मैं सुरक्षित रह सकूं। वो कहती थी कि अब वो सजा भुगत रही है क्योंकि उसने गुरुनाथ पर भरोसा किया। उसने कभी इस जेल से बाहर जाने की बात भी नहीं की और यहीं पर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। तुम्हें याद है क्या, मैंने कहा था जेल में एक बच्चे का जन्म हुआ था। माइकल वही है। पूरे 13 साल तक वो वही पला बढ़ा। वो अपनी मां के पेट में ही जलकर राख होने वाला था। पैदा हुआ, लड़ा, बड़ा हुआ सिर्फ इसलिए कि गुरुनाथ से बदला ले सके। मेरी बात ध्यान से सुनो माइकल, अपनी मां का कहना हमेशा याद रखना। जो इसके जिम्मेदार हैं उनके सामने उनसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर रहना और कहना कि तुम मेरे बेटे हो, जेनिफर के बेटे हो। अब तक माइकल ने जो कुछ भी किया वो गुरुनाथ के पास जाने के लिए किया था। यानी चारू और गुरु ने तुम्हारी मां को जिंदा जलाया, सही है ना? अपनी मां का बदला पूरा करने के अलावा उसकी जिंदगी में कोई और मकसद कभी था ही नहीं। जब तुम उसकी जिंदगी में आई तब पहली बार वो अपने लिए जीने लगा। उसने जो किया उसे करना ही था। तुम्हारी वजह से बस थोड़ा जल्दी हो रहा है। चोट तुम्हें लगती है, दर्द मुझे होता है बेटा। ऐसा क्यों किया तुमने माइकल? इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता है माँ। मैंने सोच समझ कर तुम्हारी जान बचाई है। मेरी फिक्र मत करो, तुम कहां जाओगे? तुम्हें बचाने के लिए ही वो तुम्हें मेरे पास लेकर आया। क्यों बचाया? मेरे बाप की मौत मेरे हाथों में लिखा है मास्टर। पहले मुझे उसकी ताकत और उसकी घमंड को खत्म करना होगा। जब वो मेरे सामने अकेला होगा तब उससे बताऊंगा कि मैं उसी जेनिफर का बेटा हूं जिसको उसने धोखा दिया। माफ नहीं
कर सकते। मेरी जगह आप होते तो क्या करते मास्टर? मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उसे जो चाहिए था मैंने उसे दे दिया। वो अपनी माँ से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने गया है। जब तक उसे जवाब नहीं मिलता वो वापस नहीं आएगा। तुझे सब कुछ मेरे नजरिए से देखना चाहिए माइकल। सच्चाई सिर्फ एक नहीं होती। एक बार यहां बैठकर देख ले, बैठेगा तो जो भी करेगा वो सही लगेगा माइकल। जब तेरे जैसा कोई मेरे सामने खड़ा होकर मेरी ही गलतियां मुझे गिनाता है तो खत्म, मैं खत्म, मेरा टाइम खत्म होने वाला है। तू ही मेरा अंत है माइकल, तू ही मेरा अंत है। मार दे माइकल, आजा। कहा था ना माइकल, जब यहां से बाहर जाएगा तो तेरे हाथों में सिर्फ मेरा खून होगा। चलते हैं सर, आपकी खून से मेरे पाप धुल जाएगी। आपको मेरी मां के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था सर। तुमने गुरुनाथ के साथ जो किया वो धोखा नहीं था? गुरुनाथ ने जेनिफर के साथ जो धोखा किया उसके आगे मेरा गुनाह कुछ भी नहीं। जो माफ कर देते हैं वो भगवान होते हैं माइकल। मुझे भगवान बनने की कोई इच्छा नहीं है माँ, मुझे इंसान बनकर रहना है। मैं भगवान नहीं हूँ सर, आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कहा था ना माइकल, जब यहां से बाहर जाएगा तो तेरे हाथों में सिर्फ मेरा खून होगा। नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, माइकल को गुरुनाथ तक पहुंचने के लिए पूरे 10 साल लग गए और तुम्हें माइकल की परछाई तक पहुंचने में एक जिंदगी कम पड़ सकती है। गुरुनाथ को मार दिया तो क्या बड़ा डॉन बन गया? हाँ, डॉन बन गया। अब तो ऊपर वाला भी आ गया तो उसको नहीं बचा सकता। अब वो कहीं पे भी हो, शहर के किसी भी कोने में छुप जाए, उसको मार देंगे, मारेंगे, मारेंगे। मारेंगे।
शहर पसंद आए वहां चले जाओ, मैं इंतजाम करवा दूंगा। कौन हो तुझे पता है? माइकल से कह देना बहुत जल्द उसे खत्म कर दूंगा। शहर का पूरा कचरा एक ही जगह पे मिल गया। सुना कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे हो? हेलो, हाउ डू यू डू शुरू करें। आप सबको ओपन ऑफर है रे। तुम में से जो भी मेरे हाथ से ये चाबी लेके जा सकता है उस तोप को ये सिटी फ्री में दे दूंगा। ट्राई करें क्या?